हेलो मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज सभी किसान भाइयों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक हफ्ते से काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे बीज के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को अगर किसी को बीज चाहिए तो इस बार तो अभी हमारे पास ख़त्म हो चुका है दोस्तों बीज, और आगे हम बीज लेने के लिए प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको बीज मिल जाएगा 100%, ठीक है, और वो भी कम दाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारे पास बीज जो मिलता है वो एकदम 100% ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, और अच्छी क्वालिटी का बीज रहता है जो हम खुद अपने पास इसकी 8 सालों से खेती कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप सभी को सफ़ेद मूंगफली का बीज चाहिए तो इस बार तो हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अगली साल आपको, मतलब अगली साल बोलो तो अभी 4 महीने बाद आपको अक्टूबर के महीने में जितना भी आपको बीज चाहिए, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, या कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल, जितना भी आपको चाहिए आपको हर क्वांटिटी में मिल जाएगा। और हम हर क्वांटिटी में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 1 क्विंटल से कम कोई नहीं देगा। लेकिन हम किसानों की समस्या, पैसों की समस्या समझते हुए, क्योंकि हम खुद एक किसान हैं, उस तरीके से किसान को कम से कम 5 kg से लेके कितना भी चाहिए उतना हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को सिर्फ करना ये है कि अक्टूबर के नवंबर में संपर्क करके, अक्टूबर के नवंबर में आपको बुकिंग करना है। एक बार आपने अक्टूबर के नवंबर बुकिंग कर ली, बुकिंग के लिए क्वांटिटी के हिसाब से आपको थोड़ा बयाना देना होता है, जो बुकिंग अमाउंट बोलते हैं जिसको, और इसके बाद आपको फिर अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में आपके पास बीज भेज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रक्रिया है, और आगे वीडियो में बने रहे, हम आगे और भी जानकारी देने के लिए तैयार। तो दोस्तों, हमारी खास बात ये है कि हम बीज तो देते ही हैं, बीज देने के साथ साथ आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देते हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मतलब और एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, और वीडियो हम सारी वीडियो भी अपलोड करते हैं, जिस तरीके से इसको कटिंग कैसे करना, खेत कैसे तैयार करना है, इसको लगाने की विधि क्या है, इसकी गुड़ाई कब करनी है, निंदाई कब करनी है, वो किस तरीके से करनी है, और खाद किस मात्रा में डालना है, कितना डालना है, सारी वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ। और आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियो हैं, काफ़ी, मतलब 2 साल से मैं डाल रहा हूँ वीडियो। खेती तो दोस्तों मैं 8 साल से कर रहा हूँ इसकी, लेकिन वीडियो 2 साल से डालना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको बीज के साथ साथ, अगर आप हमसे बीज लेते हैं तो आपको बीज के साथ साथ जानकारी भी दी जाएगी। आप इससे निष्फिक्र रहिए कि आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप हमसे बीज लेते हैं तो हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको जानकारी सही देना, ठीक है दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं कि बीज तो दे देते हैं लेकिन जानकारी नहीं देते हैं। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आते हैं कि भाई, बीज हमने कहीं और से लिया था लेकिन हमको जानकारी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, उन सभी किसानों को भी बताना चाहूँगा कि आप हमसे निष्फिक्र होकर जानकारी ले सकते हैं। और काफ़ी मेरे पास फ़ोन, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं दोस्तों कि जानकारी के लिए किस तरीके से करना। और कई लोग मेरे साथ 2 साल से मेरे से जुड़े हैं और इसकी खेती भी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से चल रहे हैं, और उनको छिलाई में भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और बेचने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। जैसा भी है, हर तरीके से मैं उनकी कोशिश करता हूँ संभव, मतलब सही जानकारी देने की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बीज बेचना नहीं है, हम बीज के साथ साथ सभी लोगों को जानकारी देते हैं, और आप कई किसान लोग मेरे से जुड़े भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास फर्स्ट क्वालिटी का उत्तम बीज मिलता है। और ये देख रहे हैं, ये जो बीज हमारे इस साल का फार्म में जो बीज निकला था, ये बीज है, कुछ और भी अलग जगह रखा था, ये छोटी सी बिना क्लिप बनाई थी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अभी आप लोग बीज के लिए परेशान ना हो, आप लोगों के लिए बीज अक्टूबर के मंथ में आप मेरा नंबर सेव करके रख लीजिए, या फिर काफ़ी वीडियो में मेरा नंबर भी आप अक्टूबर के नंबर में महीने में संपर्क करिए, और आपको जितना बीज चाहिए आपको उतना मिल जाएगा। कम से कम देने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और आप अक्टूबर के नवंबर में आप बुकिंग करेंगे तो आपको कम दाम में भी मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा कम रेट रहता है। इस टाइम पर, बीज के टाइम पर तो काफ़ी रेट रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों, आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, हमारा ये बीज है, और इस बार
कई लोगों के फोन आ रहे थे तो मेरे पास बीज कम बचा है, इसके लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ दोस्तों, किसी को मना करने में मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि दोस्तों मैं एक किसान का दुख मैं खुद किसानों के ही समझ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास इतना लिमिटेड ही बीज होता है, क्योंकि दोस्तों अगर बुकिंग के टाइम पे अगर बीज बुकिंग के हिसाब से बचा के रखता हूँ, क्योंकि मैं छिलाई पे ज़्यादातर डिपेंड करता हूँ, छिलाई के साथ साथ अगर अपने लिए खुद के लिए बीज बचाता हूँ। आपको पता है अगर किसी ने इस टाइम पे नहीं लिया बीज तो फिर हम इतना सारा बीज कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम छिलाई नहीं करेंगे तो फिर हमको उसका मुनाफा कैसे मिलेगा, क्योंकि छिलाई पे ही हम डिपेंड होते हैं, लेबर में देना पड़ता है तो छिलाई के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम। ठीक है दोस्तों।